गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत भरवल गांव के बुधवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने दौड़ाकर संत कुमार को गोलियों से भून दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव में सनसनी फैल गई। पेट, सर और कंधे में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक संत कुमार की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह, बेलीपार पुलिस फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। इस संबंध में एसपी दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह भरवल गांव में संत कुमार निषाद को गांव के ही दिनेश निषाद ने पुरानी जमीन विवाद चल रहा था, जिसके कारण दिनेश निषाद ने संत कुमार निषाद को गोली मार दी, जिसको हॉस्पिटल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दिनेश निषाद पर थाना कैंट में 2016 में भी गोलियां मारकर हत्या करने का प्रयास में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए मृतक संत कुमार निषाद के पुत्र मंजेश निषाद, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह और एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ससुराल कहाँ पे इसके? इसके घर वाली का नाम क्या था? हाँ, दूसरा शादी किया है। जाओ ना, वहाँ खड़ा रहो, यहीं रहो, जब तक कोई कहेगा नहीं हटना मत जाओ। कोई आए ना? आप इस समय वर्तमान में बम्बई या बंगलोर कोई है?
मुंबई में नहीं, कोई बैंगलोर में हमारे आपके छोटे भाई हैं बैंगलोर रहते हैं। पहले पापा को ये फायरिंग का वाई फाई की ऑप्शन दे रहे हैं, पिताजी को साथ दीवार नहीं। कैंट में एक बार और हमला हुआ था, कैंट थाने में ललातपुर में। अच्छा, 307 लिखा गया था। किसके खिलाफ लिखा गया था? दिनेश दिनेश, दिनेश। दिन। अच्छा, जो मारने के लिए दौड़ाए तीन लोग, वो लोग तो दो तीनों आदमी जो थे उन लोग, एक दो आदमी को मैं पहचानता हूँ, एक सुंदरम नाम का लड़का है और एक दिनेश के लिए। हम उनको देखे एक बार चले जाए, जब वो दोबारा बाइक से था शायद हम देखे नहीं, लेकिन जब वो गिर गया मेरा एक ही गेट खुला था, गेट खुला था सर, कैसे उसको दौड़ा छिपने के लिए यहाँ आ गए, तो गेट ये भी खुला था ये भी खुला था, तब जैसे हम वहाँ से जब जैसे वो चिल्लाने लगे तो हम गिर गए थे यहाँ पे, जब तक हम यहाँ आए थे वहाँ पर खास आए, हम एक ही आदमी को देखते तो हम कहते अरे बाबू, तब हम एक ही ऐसे ही दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन हम देख ना ही पूरी तरह, लेकिन हमने तीन आवाज़ें बता की तीन आवाज़ें। जो आदमी दिखाया दिखाई दे वो कौन? अरे हम नहीं देखे, पहचान नहीं, नहीं पहचान पाए हम, जिसे हड़बड़ा गए हम किचन से, जब तक हम यहाँ आए हम उसको भी नहीं देख पाए। अच्छा, वो कहाँ गिरी थी? कहाँ पड़ी थी? जैसे आपका पैर जहाँ था वहाँ सर था, पैर यहाँ था, सर यहाँ था, पैर। ये फर्क हुआ है, गोली लगी नहीं, ये गोली लगी नहीं, या तो किए हैं बॉडी नहीं था। मंजेश नाम है मेरा, मेरे पिताजी थे वो, पिताजी सुबह सुबह बागीचे में गए थे, बागीचे में से फिर वो टहल रहे थे, टहलते टहलते गए थे, बाद में उधर सड़क के पार में वो बैठे थे, वहाँ पे भी दो तीन लोग बैठे थे, बाद में कुछ बदमाश थे वो दिनेश था, बाद में ये लोग आराम से बैठे थे, बाद में इन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्यों हमारी तरफ बढ़ रहा है, बाद में वो बढ़ते बढ़ते फिर वो दौड़ना स्टार्ट किया, बाद में पिताजी को दौड़ा के वो तो वो गोली मार के उनको घर में पहुंचने के बाद डायरेक्ट उनके घर गिर गए, गिरने के बाद वो गोली मार दिया, बाद में उनका डेड हो गया। ये आज सुबह करीब 8 बजे के लगभग ये सूचना हुई कि एक गोली का प्रकरण भरवलिया गांव में बेलीपार थाना के अंतर्गत हुआ है, इसमें संत कुमार निषाद जो हैं इनको दिनेश निषाद ने ऐसी सूचना पे था कि गोली मार दी है, और उसके साथी लोग थे, इस सूचना पे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घायल की स्थिति क्या है? अभी वो उनको मृत घोषित कर दिया गया है, और अन्य जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो की जाएंगी। ये एक गांव भरवलिया है, वहाँ पे सुबह 8 बजे करीब संत कुमार निषाद हैं उनकी, उनको गोली मारा था एक दिनेश उसी के गांव का है, जिससे उनको हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। बताया जा रहा है जब गांव पे हम लोग पहुँचे थे तो उस समय ये बताया गया कि इनका पहले से एक भूमि विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, और इस दिनेश ने इस पर एक थाना कैंट में मुकदमा लिखा हुआ है 2016 का, उसने यहाँ पे उनको गोली मारने का मार के हत्या करने का प्रयास किया था, इसकी जांच की जा रही है, अगर पहले से दिया गया है तो उसको देख के उसे जो उस पर दोषी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लास्ट ईयर नवंबर में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें वो चार्जशीट लगी थी और ये दिनेश जो है वो सरेंडर हुआ था। संत के ऊपर कुछ हमले हुए थे? हाँ, 2016 में जो थाना कैंट में मुकदमा लिखा गया था 307 का मुकदमा।